हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, मैं बर्थ डेट डाल दूंगी इस टाइम स्टैम्प्स में। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे स्क्रीन शॉट में, 3 ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, इंट्यूटिवली एक पाइल को पिक करें। जिनको प्रॉब्लम हो रही है बर्थ डेट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, आपकी बर्थ डेट अगर इस डेट में से है एंड अगर आपने इंट्यूटिवली पाइल को पिक की है, आँख चूज़ की है, आई, राइट। सो आई ट्रीटमेंट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए होता है ना कि लेंस वगैरह, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेंस लगाते हैं ब्यूटीफुल लगने के लिए, तो आई प्रोडक्ट्स और इस टाइप की कुछ, मतलब ब्यूटिफिकेशन नज़र आ रही है। आइदर ट्रीटमेंट चले और ब्यूटिफिकेशन हो, राइट, देखते हैं। वैसे दिल का आईना आँख बोला जाता है, मतलब अगर आप मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे, दिल मतलब आँख बता देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी बियॉन्ड विजन देखने की क्षमता को भी यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, मतलब आपकी इंट्यूशन, थर्ड आई एनर्जी, थर्ड आई की एक्टिवेशन। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। इंट्यूटिवली किसी दूसरे किसी पर्सन से कनेक्ट करना नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर, यहाँ पर मैं थोड़ी सूर्य को यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे सूर्य, सन का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप देखिए सूर्य आत्मा का रगा होती है काल पुरुष की कुंडली में, एंड आँखों की ज्योति जो हम सूर्य से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ी यहाँ पर मुझे भाई सर आपको सुबह जल्दी जल्दी आप उठ रही है, या फिर सूर्य नमन करने की, मतलब एक प्रोसेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले शायद नहीं करते थे। एंड आदित्य स्तोत्रम भी होते हैं, सो इस टाइप की कुछ सूर्य से रिलेटेड आप कुछ करेंगे। ओके, आप सूर्य से रिलेटेड कोई स्टोन भी ले सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसे अपार्टमेंट में आप जा रही है जिसका नामकरण अपार्टमेंट का, जैसे आदित्य अपार्टमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए भास्कर अपार्टमेंट हो गया, इस टाइप के जो सूर्य से कनेक्ट करता है, ऐसे घर हो सकता है, ऐसी जगह पर आप जाएंगे, ऐसी जगह पर आप रहने के लिए जा रही जो सूर्य से कनेक्ट हो रही है, सन से कनेक्ट हो रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्या मेजर शिफ्ट है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मून, नेक्स्ट 3 मंथ्स। हम देखेंगे एंड में आपकी सोल नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्वेश्चन आपसे कर रही है, या फिर किस चीज़ों की तलाश है सोल को नेक्स्ट 3 मंथ में, हम एंड में देखेंगे। ओके, थोड़ी देख लेते हैं आपकी थीम, देन मैं इंडिविजुअली देखूंगी आपकी करियर, वर्क एंड लव लाइफ। थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन टाइम मोर, ओके, एंड फाइनली ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स पिक करूँगी, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 90 डेज आपके लिए। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1, मेजर इवेंट। एक सीप आ रही है जिसकी लंबी टाइम से तलाश थी, वो शेप जिसमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है, बिकॉज यहाँ पर फुलफिलमेंट, सैटर्न इन सजिटेरियस, देरी से ही सही, थोड़ी डीले हो रही है, बट सीप डेफिनेटली बीच पर आएंगे, जो चीज़ की ज़रूरत है आपको।
ओके एंड लुक, मैं बॉटम ऑफ द डेक भी लेना चाहती हूँ. ओके देखते हैं. देखिए मेजर एनर्जी में आई है मून पाइसिस. नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके लिए मून पाइसिस वाला एनर्जी और पाइसिस राइजिंग और पाइसिस सन मून राइजिंग वेनस का कोई पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट थ्री मंथ्स में जानवर की पति क्रिएचर बर्ड्स ऐसे एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर फीड करवा रही है, उनके लिए आप कुछ डोनेशन वगैरह दे रही है. देखिए एम्पैथी कार्ड आई है. ओके मतलब कोई आपको कुछ कह रहा है एंड आप बहुत एम्पैथेटिक है. आप एक होते ना एक सेवा भाव कि उस क्रिएचर का भी एक ज़रूरत है. ये बात सिर्फ क्रिएचर या फिर एनिमल का नहीं है. आपका नेक्स्ट थ्री मंथ्स में जैसे कोई ऐसा पर्सनालिटी हो सकता है जो आपकी इमोशंस की बहुत कदर करे. वो होता है ना कि एक शोल्डर की ज़रूरत होती है, एक कंधों की ज़रूरत होती है जहाँ पर यू कैन लीन ऑन. सो एग्जैक्टली वो शोल्डर वो कंधा मुझे दिखाई दे रही है. ये कोई भी पर्सन हो सकती है. एंड जिस तरह से डॉग है, डॉग को हम फॉलोअर और बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के रूप में देखते हैं. जैसे कोई आपकी इमोशंस की बहुत कदर करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रही है. ओके एंड लुक एट दिस द कार्ड नंबर 10. दिस इज़ एक्चुअली सन एंड कैप्रिकॉन. मैं एक बात आपको बताई थी कि मुझे सन का एनर्जी बहुत आ रहा है. सन कैप्रिकॉन, सन दशम भाव में हूँ, फिर मतलब ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपोनेंशियली राइज करेंगे करियर को. एंड अचीवमेंट कार्ड आई है तो बहुत बड़ी कोई करियर वर्क फील्ड में बहुत बड़ी कोई सक्सेस आप हासिल करें. चाहे वो प्रमोशन, न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, आप कोई एग्ज़ाम पास कर जाए सक्सेसफुली. एंड दिस इज़ ओ माई गॉड, दिस अगेन सन इन जेमिनी. ओके दिस वर्सेटिलिटी इम्प्रेस करने के लिए मैं योगा प्राणायाम कर रही हूँ. बात यहाँ पर देखिए वर्सेटिलिटी की जब बात होती है ना, थोड़ी मेरी कुछ कला है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, समथिंग लाइक आई वॉन्ट टू इम्प्रेस अदर पीपल. यहाँ पर थोड़ी क्योंकि सन की एनर्जी में थोड़ी वो प्रभाव है. आई एम राजा, मैं राजा हूँ. सो अटेंशन सीकर एक एनर्जी सूर्य में होता है. सो मुझे थोड़ी इस एनर्जी दिखाई दे रही है. बट जैसे कोई प्राणायाम योगा मेडिटेशन कर रहा है इस वजह से नहीं कि वो मेरी हेल्थ को ठीक कर रहा है. थोड़ी एनर्जी ऐसा रहा है कि मुझे ये दिखाना भी है, शो भी करना है कि मैं हेल्दी हूँ. सो थोड़ी एक दिखावापन है बट ओके इट्स माइनर एनर्जी. ओके मुझे थोड़ी इस टाइप की एक बॉडी शॉडी बनाना, यू नो आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी प्रॉस्परस, दिस काइंड ऑफ स्टफ. थोड़ी एनर्जी वाइज थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी एनर्जी में, फ्रिक्वेंसी ऐसी है. ओके नंबर 51 यहाँ पर दिस इज़ एक्चुअली ये अपर कार्ड है, अपराइट मीनिंग है, ये रिवर्स मीनिंग है. रिवर्स मीनिंग बहुत नेगेटिव है बट आपकी सभी कार्ड अपराइट अगर आई है तो मैं अपराइट मीनिंग को ही यहाँ पर पढ़ूंगी. ओके जैसे यहाँ पर मेन मीनिंग में आई है, अपराइट मीनिंग है यूनिवर्सल मेडिसिन. यूनिवर्सल मेडिसिन हेल्थ वर्गो एनर्जी आई, राइट? लेट मी चेक. इनर एंड आउटर वर्क. ओके थैंक यू. नंबर 36 रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ. एंड मुझे ना यहाँ पर तीन एंजल जैसे कॉल कर रहे, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आना और एक रिजरेक्शन, रिस्टोरेशन, मतलब जो जीवन जैसे आपको लग रहा था कि अलाइंड नहीं है. देखिए यहाँ पर कोई जैसे कोई तीन एंजल जैसे आपको पुश करे कि देखो ये तुम्हें करना है. तो यहाँ पर एंजल प्रेजेंस नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, मतलब ये है ऑलरेडी मौजूद है. रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ का मतलब जीवन को एक दिशा मिल रही है, एक मंजिल मिल रही है, आप उस और जाना चाहते हैं. 64 नंबर 10 यहाँ पर आया, मतलब अगेन 10 वन सन कनेक्ट हो रही है. एंड लुक्स लाइक ए गैब्रियल, जैसे छोटा छोटा तीन गैब्रियल यहाँ पर एंजल के रूप में दिखाई दे रहे हैं. गैब्रियल मीन्स कम्युनिकेशन, क्रिएशन. तो यहाँ पर रिस्टोरेशन के साथ साथ क्रिएशन आ रही है. देखिए इनर एंड आउटर वर्क, कुछ व्यूअर्स के लिए बात सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की नहीं है, आप इनर वर्क बहुत कर चुके हैं, मतलब आपकी हीलिंग हो रही है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में. यहाँ पर क्या खाने से आपका एनर्जी पॉजिटिव होगी, सात्विक खाना है, इस डे में ये खाना है, बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह भी, बिकॉज इनर वर्क दिखाई दे रही है, शैडो वर्क दिखाई दे रही है. एंड ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है. एंड नेक्स्ट विद दिस यूनिवर्सल मेडिसिन, देखिए यूनिवर्सल मेडिसिन का मतलब मैंने प्रॉमिस किया एंड उस प्रॉमिस को निभाई. बहुत प्रॉमिस कीपर वाला एनर्जी आ रही है कि आपने वचन दिया, आपने उसको निभाया. नेक्स्ट थ्री मंथ्स में इवन आपके साथ भी ये होगा, किसी ने आपको कमिटमेंट दी है तो वो निभाएंगे. यूनिवर्सल मेडिसिन आने का वर्गों का एनर्जी आए तो अगेन हेल्थ, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हेल्थ मैनिफेस्ट होना, हेल्थ रिकवरी मैनिफेस्ट होना. मेडिसिन आने का, यूनिवर्सल मेडिसिन की जब बात होती है, ये सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं हो रही है, आयुर्वेद को भी मैनिफेस्ट कर रहा है. पेड़ पौधे बोटानी, जो नॉर्मली हम होम डीआईवाई रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं ना, इस टाइप की चीज़ें आप होता ना ग्राम
आप ग्राम क्लर्क को यहाँ पर फेस पैक के जैसे लगा रही है, समथिंग, मतलब घर की, घर से जो टोटका वगैरह होते हैं। ओके, आह माय गॉड, दिस इज गोल्डन एप्पल। री राइटिंग योर फ्यूचर, क्वीन कोर्ट्स, हर स्टोरी एंड हील डिस्टॉर्शन, मतलब जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी थी वो हील हो रही है। मुझे यहाँ पर हनी भी दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड गोल्ड एप्पल का मतलब गुरु, एंड लुक दिस क्राउन हियर, बट ये मेनली फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है बिकॉज क्वीन कोर्ट्स आई है। ओके, सो कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हार्ट स्टोरी, क्वीन कोर्ट एंड हार्ट स्टोरी, मतलब उनकी स्टोरी जैसे दूसरों को इंस्पायर कर रही है किस तरह से। देखिए यहाँ पर बैलेंस भी है, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है, गोल्डन जो जुपिटर एंड दिस क्राउन, अल्टीमेटली कर्मा की वजह से गुरु का ब्लेसिंग्स मिला। कर्मा, सैटर्न का कर्मा एंड गुरु का ब्लेसिंग्स, आपकी कर्मा यहाँ पर आपकी फ्यूचर को रीराइट करेंगे। शायद वो डेस्टिनी में नहीं थी, बट फिर से जैसे लिखा जाएगा रीराइट योर फ्यूचर, बट कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जी, कुछ बैड हैबिट्स हील होता हुआ एनर्जी आ रही है, मतलब उससे बाहर आ रही है, एंड आप जानते हैं कि ये करना सही नहीं है। ओके, दिस इज़ कम्युनिटी, हीलिंग, डिवेशन, टीम वर्क, फ्रीडम। मुझे तो यहाँ पर एक लोटस दिखाई दे रही है, क्रिस्टल लोटस दिखाई दे रही है। कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना, एकदम से इनर एंड आउटर वर्क के नीचे आई है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन करेंगे। न्यू कम्युनिटी है, होता ना कि एक नई परिवार में आप जा रही है, कुछ नई क्लाइंट हो सकती है, कम्युनिटी आपकी बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस क्रिएटिविटी, ओके, सेल्फ एक्सप्रेशन, लाइफ इज योर कैनवस, लाइफ एक ब्लैंक कैनवस है, रीराइट योर फ्यूचर, जैसे रिपेंट करो अपनी लाइफ को बिकॉज एक ब्लैंक कैनवस तुम्हें मिली है। सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है, थॉट चक्र पर काम दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्सेटिलिटी है, तो आप में जो खूबी है, जो अच्छी चीज़ है, आप उसको ना थोड़ी शो कर रही है कि यस, से बुरी चीज़ ही मुझ में नहीं है, बुरी आदत ही मुझमें नहीं, कुछ अच्छा भी है, एंड वही निखर कर आ रही है लाइक लोटस कमिंग फ्रॉम मडी सिचुएशन, एंड वो उस एंड लुक दिस, जैसे ऑब्स्टकल से भी बाहर आना, क्योंकि माउंटेन हम कभी कभी ऑब्स्टकल से उसको देखते हैं, इसलिए माउंटेन को हर माउंटेन की पेंटिंग हम हर जगह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होना, माउंटेन सक्सेस देता है, बट प्रॉपर डायरेक्शन में माउंटेन टाइप की कुछ पेंटिंग हम जैसे रैंडमली पिक नहीं कर सकते, रैंडमली उसको एक जगह पर लगा दिया, ये नॉर्मली आपकी मनी फ्लो को भी रोक सकता है अगर आपने गलत डायरेक्शन पे माउंटेन की पिक लगा कर बैठे हैं। सो यहाँ पर माउंटेन एक ऑब्स्टकल जहाँ से बाहर आ रही है। ओके, देखते हैं, दिस इज़ द बाउंड्रीज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाइट इंटरेस्टिंग, 440 मैनिफेस्ट हो रही है, एंड विद दिस कम्युनिकेशन, उड़ाकेला डेल्फी, ग्रीश, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। सो यहाँ पर डेल्फी जो है एक मतलब एक माध्यम जो चैनल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकता है, राइट। सो नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट केतु एनर्जी, तो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है बिकॉज बाउंड्रीज एंड विद दिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रिलीज हो रही है, एंड लुक दिस कार्ड, कम्युनिटी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रही है आपकी लाइफ में, एंड लुक दिस फुल मून हियर, एंड यहाँ पर सन मैनिफेस्ट हो रही है, तो सन एंड मून एकदम आमना सामने, दिस इज एक्चुअली द फुल मून पीरियड, सो फुल मून टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकती है। दूसरी है एक मेजर शिफ्ट आ रही है जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रही है, कोई गाइड, कोई मेंटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बिकॉज उड़ाकेला डेल्फी है जो यहाँ पर ट्रांसलेट करे या फिर गाइडेंस दे आपको, बिकॉज अचीवमेंट कार्ड है, बट विद दिस बाउंड्रीज एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, चाहे दो पर्सन के बीच हो सकती है। अब थोड़ी टैरो से देखते हैं, ग्रुप नंबर 1, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्यों लगाया गया था, ये वॉल क्यों बनाया गया था, ताकि अटैक से बचाया जाए। सो आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टेड है। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन, थैंक यू, नंबर 1, करियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, वन टाइम मोर,
आप शायद बहुत फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड हैं, जैसे बहुत होता ना कि बहुत सारी मशीनरी वर्क हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर को लेकर आप काम कर रही है, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको कम्प्लीट एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप है, तो जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड बहुत है। एंड दैट्स वाई शायद आपकी आँखों की थोड़ी बताया जा रहा है कि थोड़ी आँखों का ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन मत रहो। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं टोटालिटी। थोड़ी सी अगर हाथ छूटे तो ये दोनों ही गिर सकते हैं, मगर ये हाथ जैसे जिमनास्टिक में होता है ना कि ये हाथ अगर ये पकड़ नहीं पाए तो ये छूट मतलब ये गिर जाएगी नीचे। सो नज़र हटी दुर्घटना, मतलब बहुत केयरफुल बहुत अलर्ट है। देखते हैं आपकी करियर वर्क, बहुत बिजी सिचुएशन, मोमेंट टू मोमेंट एक जगलिंग के सिचुएशन एंड विद दिस पॉलिटिक्स हेयर। देखिए यहाँ पर करियर वर्क फील्ड में थोड़ी पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है, पीठ पीछे कुछ लोग चुगली वगैरह कर रही है यहाँ पर, बट टू ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। ये बैलेंस की बात करें विद सन एंड कैप्रिकॉन आपकी ओराकल मैसेज में आई है, पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ लोगों की फेस रिवेलेशन होगा, दैट्स द मेन कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ आएगा कि चुगली वगैरह कौन कर रहा है। आपको थोड़ी हेल्दी बाउंड्री भी लगानी है, बिकॉज यहाँ पर चाइना का जो वर्ल्ड, दिस इज द फोर बाउंड्रीज की बात हो रही है। करियर वर्क फील्ड में आपको अच्छी तरह से बाउंड्रीज लगाना है। जो बाउंड्री की कार्ड है मुझे लग रही है ये करियर वर्क फील्ड से ज़्यादा रिलेट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड आई है। जो दोस्त बनकर बैठे वो एक्चुअली आपकी अच्छा भला चाहते नहीं हैं, तो ब्लाइंडली किसी को नेक्स्ट थ्री मंथ में फॉलो ना करें। कोई भी टेम्पटेशन को यहाँ पर कि बहुत बड़ी कोई ऑफर है, ऑफर को पिक करने से पहले एक बार सोच समझ कर देखिए क्या सच में वो मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देगा भाई या नहीं। ऐसा हो सकता है कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे टेम्पटेशन देकर, क्योंकि गोल्डन एप्पल एक टेम्पटेशन भी है। तो करियर वर्क फील्ड में आपको थोड़ी केयरफुल होना है, बट अल्टीमेटली विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स आप बैलेंस करेंगे, आपकी हार्ड वर्क यहाँ पर रिवॉर्डेड होगी। थोड़ी यहाँ पर केयरफुल आपको होना है। देखिए यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ की बात करें सो एनर्जी बहुत नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर अगेन एक एंजल का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड आई है, तो कोई मेंटर, कोई मान लीजिए कोई डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, कोई डॉक्टर आपको कुछ डाइट चार्ट बनाकर दी है, या फिर होता ना कि एकदम से जो जो खाना चाहिए वही आपको खाना है। मतलब जब आपको भूख लग रही है बहुत एक्सेस खाना आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। नंबर टू जो है एक बैलेंस है, नंबर थ्री आ गया तो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ आए। सो यहाँ पर थोड़ी आपको कहा जा रहा है एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पर खाना है जब भूख लगे, एंड आपको थोड़ी प्रॉपर बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज हेल्थ में कुछ मेजर दिक्कत नहीं है। हेल्थ का ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस इज लाइक ए बर्डन, लुक एट दिस, जैसे आप बहुत बिजी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में, आपको टाइम नहीं मिल रही है, और इतनी ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रही है, और इतनी ज़्यादा वर्क का प्रेशर है कि आप थके हुए पूजा में बैठे, जैसे थक कर यू नो एग्जॉस्टेड होकर पूजा पाठ कर रही है, जैसे आपका मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में। आप इनर वर्क कर तो रहे हैं पर बहुत एग्जॉस्टेड है फिजिकली, ओके, जैसे कोई हैन है एकदम चिल्ला रही है कॉन्स्टेंटली, नॉइस क्रिएट करी है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी हैम्पर्ड हो रही, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, बॉस हो, मतलब इतना प्रेशर में आपको रखा जा रही है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ विद दिस कंपैरिजन एंड प्रोजेक्शन। देखिए यहाँ पर लव लाइफ की अगर बात किया जाए, थोड़ी एज डिफरेंस का एनर्जी आ रही है, आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट करें अपनी एनर्जी, यहाँ पर थोड़ी वो जैसे आप है वैसा ही वो एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, थोड़ी मिरर करने की एनर्जी आ रही है। बट विद दिस कंपैरिजन एंड सेवन ऑफ कप्स, से दोनों एनर्जी में ही एक मतलब होता ना कि एक दूसरे को तुलना करना कि तुम ऐसे हो, वो भी कह रहा है कि नहीं तुम ऐसे हो, तो थोड़ी जैसे यहाँ पर एक दूसरे की खामियां दूसरों के ऊपर डालना, थोड़ी लव लाइफ में इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको बचने के लिए बोला जा रहा है कि कंपेयर ना करें। वो जैसा है उनकी लाइफ पर्पस वो कंप्लीट करेंगे, आपका लाइफ पर्पस आप उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे को लेकर कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिरर हो रही है। पहले इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हील्ड है तो सामने वाला डिवाइन काउंटर पार्ट भी हील हो जाएगा, अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, पर थोड़ी एज डिफरेंस की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक वन मोर फॉर लव लाइफ, वन मोर फॉर, ओके, लुक एट दिस, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हियर इज अ रीबर्थ लायन, लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर कोई सीप से यहाँ पर बाहर आ रही है, एंड एक रिजरेक्शन हो रही है, एंड नई शुरुआत होने जा रही है विद द सोर्स, इज लाइक ए सन फ्लेम हियर, सो एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए हुस एंड लुक, मेरी गोद में एस ऑफ पेंटेकल्स आई है, सो दो एसेस की एनर्जी आपकी लव लाइफ में मौजूद है, दो एसेस, इट्स लाइक ए फ्रेश स्टार्ट, 11-11 नंबर आपको दिखाई दे सकती है। पास्ट रिलेशनशिप का इशू यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है, बट फ्लूट का एनर्जी आई है, मतलब फ्लूट आने का मतलब है पास्ट डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हील हो रही है,
ओके मैं थोड़ी यहाँ पर देखूँगी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या सोल आपको बताना चाहते हैं, किस पर काम करना है। ग्रुप नंबर वन, वन टाइम मून, ओके। ग्रुप नंबर वन, नेक्स्ट थ्री मंथ्स में किस फील्ड पर काम करेंगे, आपकी सोल क्या कहना चाहते हैं। ओके बिल्ड, बीवर, बीवर एक ऐसा एनिमल है वो बना, मतलब उसको आर्किटेक्ट के जैसा हम उसको देखते हैं। बिल्ड, व्हाट एम आई इंटीग्रेटिंग, क्या मैं, क्या वो चीज़ है जिसको मैं जोड़ सकती हूँ। तोड़ने की बात नहीं हो रही, आपकी सोल का एक चाहत है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में, क्या वो चीज़ है, चाहे दो लवर मिल नहीं पा रही है, क्या मैं उसको मिलवा सकती हूँ। अगर कुछ ऐसा कोई किसी की लाइफ में कुछ टूट रही है, क्या थोड़ी सी गाइडेंस देकर उसको मैं जोड़ सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ी जोड़ने के लिए, जैसा आपका सोल का चाहत है, डिज़ायर है, कि क्या वो चीज़ मैं कोक्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर कुदरत के साथ, कि मैं दो तीन दिन कोशिश करूँ कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊँगी। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यहाँ पर आपकी सोल की एक चाहत आ रही है कुछ बनाने का। मैं खुद से मील बनाकर, यू नो, कुछ एक रेसिपी बनाकर मैं पूरे परिवार को खिलाऊँ, क्योंकि क्रिएशन का एनर्जी, बिल्ड ऑफ समथिंग, यू नो, फेंके हुए चीज़ से कुछ चीज़ बनाओ। हो सकता है वो चीज़ को आप फेंक रहे, हो सकता है उससे कुछ आप बना सकते हैं, घर में कोई यू नो डेकोरेटिव कोई आइटम आप यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ इंटीग्रेशन मतलब जोड़ने की काम करो, तोड़ने की नहीं। यहाँ पर मैं पेड़ पौधे लगा सकते, देख बीवर के हाथ में ना एक छोटा सा यहाँ पर एक प्लांट दिखाई दे रहा, तो मैं अपने घर को थोड़ी प्लांट वगैरह लगाकर कुछ डेकोरेट कर सकता हूँ। रियल पेड़ पौधे की बात हो रही है, आर्टिफिशियल नहीं। तो यहाँ पर सोल की एक डिज़ायर नज़र आ रही है। ओके एंड फाइनल गाइडेंस, ग्रुप नंबर वन, गॉड गॉडेस क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर वन नेक्स्ट थ्री मंथ्स के लिए। वन टाइम मून, ओके। एक्सपांड योर कंसासनेस, माँ अदिति, माता अदिति यहाँ पर आई है। कंसासनेस, किस, कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब हम खर्चा करते हैं कि सच में वो ज़रूरत है, इतना मैं खर्चा कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ आइटम आप खरीद रही है, रैंडमली खरीद रही है, बट यहाँ पर स्पिरिट बता रही है कि सच में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक्सपैंड योर कंसासनेस, जो बेसिक नेसेसिटी है अगर वो फुलफ़िल हो रही है, तो पैसे को बचाने के लिए बोला जा रहा है, सेविंग्स आपको बढ़ानी है, किस तरह से आप सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। एंड कंसासनेस की जब बात होती है, जब आप कोई कुछ भी डिसीजन ले रही है, कुछ भी निर्णय आप इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेने जा रही है, उस टाइम फ्रेम में आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड बहुत अलाइंट होकर, दिल और दिमाग, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तब डिसीजन आपको नहीं लेना है। थोड़ी शांत होकर, मेडिटेशन कर, इनर वर्क कर, जब आपको लगे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड अलाइंट है, मैं परफेक्ट हूँ, देन आप डिसीजन लीजिए। ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर टू, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, नेक्स्ट थ्री मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, नेक्स्ट 90 डेज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रही है। एंड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है हार्ट्स फ्लेम, ओके, देखते हैं, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपके दिल बहुत, जैसे यू नो यहाँ पर भी एक फ्लेम का ही एनर्जी मुझे दिखाई दी सडनली, मैंने नोटिस नहीं की। ग्रुप नंबर टू, फ्लेम दिखाई दे रही है, हम फ्लेम से डायरेक्ट ट्विन फ्लेम को कनेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि किसी, मतलब दिल में किसी चीज़ के लिए जलन सा महसूस होना, कि आइदर ये किसी के लिए रिवेंज हो सकता है, ये ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू नाउ, और ये किसी को ना पाने का एक एहसास, यू नो, जो शायद आपको थोड़ी दिल में वो एक जला रही है आपको, यू नो, थोड़ी जैसे, क्योंकि यहाँ पर दिल जलता हुआ दिखाई दे रही है। एंड ये मे बी ये आपकी करंट सिचुएशन है, मैं देखूँगी नेक्स्ट थ्री मंथ्स में क्या एनर्जी यहाँ पर आपकी चेंज हो रही है, क्या वो मेजर शिफ्ट है। ओके थैंक यू ग्रुप नंबर टू। देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, ग्रुप नंबर टू क्या थीम आ रही है। इन में हम देखेंगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपकी सोल क्या आपको कहना चाहते हैं। ओके किस पर काम करने के लिए बोला जा रही है। ओके देखते हैं, वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर टू के लिए। ग्रुप नंबर टू थीम क्या है नेक्स्ट इस कार्ड में, अगर कोई कार्ड रिवर्स आ रही है तो मैं रिवर्स में ही उसको रीड करूँगी, क्योंकि इसमें अपराइट एंड रिवर्स दो मीनिंग है।
ओके, ग्रुप नंबर टू के लिए नेक्स्ट थ्री मंथ्स। थैंक यू, वन टाइम मोर। ओके, नेक्स्ट थ्री मंथ्स। ओके, नेक्स्ट थ्री मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर टू, नेक्स्ट 90 डेज ग्रुप नंबर टू के लिए। थैंक यू, वन टाइम मोर। एंड फाइनली मैं टैरो से देखूंगी आपकी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थोड़ी उड़ा क्यों के थीम देख लेते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर टू, वन टाइम मोर। बॉटम ऑफ द डेक में है लियो। लियो इज़ हियर, लियो इज़ हियर। लियो की एनर्जी में थोड़ी ड्रामा तो होता है, इसीलिए लियो को आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी नॉर्मली एक्टिंग एक्ट्रेस में, यहाँ पर इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में लियो बहुत अच्छे काम करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हो सकता है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ऐसे ऑफर आपको मिले ऑडिशन देकर। ओके, जो लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसकी थोड़ी वाइब्स, जैसे ऑडिशन दे रहा है कोई, जैसे वॉइस डबिंग वगैरह होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, थोड़ी उस टाइप की यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर ग्रुप नंबर टू के लिए दिखाई दे रही है। ओके, बट लुक दिस, ए लायन कुछ बोल रही है चिल्ला कर, राइट? तो वॉइस एंड कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। देखते हैं आपका थीम क्या आ रही है। सो यहाँ पर अपराइट मीनिंग ही आई है, 71 नंबर 8 में आई है, डिवाइन वॉरियर्स। ओके, हैनियल आई है यहाँ पर। ओके, एंड विद दिस रिवेलेशन एंड लुक दिस टू कार्ड, 1771 रिफ्लेक्टेड होकर नंबर आई है, 7 71 17 8 रिफ्लेक्ट होकर, मतलब 8 808 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। 8 का पोर्टल, 8 फॉर अबंडेंस एज वेल एज सैटर्न का एनर्जी, राइट? सो डीले से ही सही इनहेरिटेंस मिलने जा रहे कुछ, या फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट विद दिस, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी में रूप नंबर टू बहुत डिवाइन की एनर्जी आई है यहाँ पर, डिवाइन कम्फर्ट। ओके, जैसे यहाँ पर माइकल जो है आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल को रिमूव कर, लुक एट दिस, जैसे वो शॉर्ट्स को उठाई है यहाँ पर रिमूव करने के लिए, पाथ को क्लियर करने के लिए, डिवाइन कंफर्ट, मतलब यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स। एंड लुक दिस नंबर फोर, सो 8 and 4 का यहाँ पर कम्बिनेशन अगर ऐड होता है तो 12 नंबर 3 जुपिटर आया। सो यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, एक तो आपकी लाइफ की पाथ की जो भी ऑब्स्टेकल अभी है, बिकॉज डिवाइन वॉरियर्स, आपकी एनर्जी में एक वॉरियर वाला एनर्जी आ रही है, कोई काम शायद वक्त पर होता नहीं है, बट डिवाइन की दो कार्ड है, डिवाइन से आई है, डिवाइन वॉरियर यहाँ पर आई हुई है, डिवाइन कम्फर्ट, मतलब आपकी संघर्ष यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही है, दैट्स द कम्फर्ट। आपने यहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्रगल की है, नाउ वो कम्फर्ट्स आपको मिलने जा रही है। एंड 71 की बिल्कुल रिफ्लेक्टेड में जो वर्ड्स है वो है रिवेलेशन। रिवेलेशन का मतलब सच सामने आना, एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस की भी बात होती है, प्रकाश, प्रकाशित होना कोई चीज़ है। वैसे इसका एक रिवर्स मीनिंग है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगी बिकॉज तीनों कार्ड ही यहाँ पर अपराइट आई हुई है। रिवेलेशन, बाहर आना, एक चक्रव्यूह से बाहर आना। ओके, देखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, डीले से ही सही, बट आपकी लाइफ में कम्फर्ट्स आ रही है ग्रुप नंबर टू। ओके, रीवाइल्ड एम्बर एंड दिस डॉन रेडूट रूट ट्री कीपर एंड परसेप्शन वर्स रियलिटी। एक होते ना कि आप सपनों की दुनिया में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि रियलिटी में मुझे क्या एक्शन लेना है, वो समझ आएंगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके लिए। एम्बर है यहाँ पर, एंड एम्बर से एक चीज़ हम देखते हैं, रीवाइल्ड मतलब आप थोड़ी अगर डरे हुए, मतलब थोड़ी स्केयर्ड पर्सनैलिटी है, तो नेक्स्ट थ्री मंथ्स में एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो रही, जिस तरह से रिफ्लेक्टेड होकर नंबर आई है शिफ्ट हो रहा है। नंबर फोर फॉर डिज़ायर, नंबर फोर फॉर स्टेबिलिटी। सो रीवाइल्ड की एनर्जी आ रही है, मतलब समथिंग आप ऐसा एक्शन ले रही है जो पहले आपने नहीं की है, ऐसा काम जो कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में। क्रिएटिविटी, द स्पिन कार्ड, सेल्फ एक्सप्रेशन, लाइफ इज योर कैनवस,
कोई आकर डेस्टिनी चेंज नहीं करता है, एक ब्लैंक कैनवस है। यू हैव टू रीराइट रीपेंट योर लाइफ। जैसा कर्मा है वैसा ही डेस्टिनी बनता जाएगा। सेल्फ एक्सप्रेशन की एनर्जी आ रही है कि मुझ में से बुरी चीज़ नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ भी है, कुछ खूबी भी है एंड जो एक्सप्रेस हो रही है वो लोगों के सामने वो विजिबल हो रही है। एंड लुक दिस एम्बर हेयर, किस तरह से बहुत सारी जैसे लुक्स लाइक एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बीच में एम्बर है। सो ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रही है, ट्रैवल इंपॉर्टेंट होंगे, जर्नी इंपॉर्टेंट होंगे, बट अल्टीमेटली जो कार्ड आई है रिवेलेशन के नीचे वो है क्रिएटिविटी। सो एक ओम की बात हो रही है। लुक यहाँ पर पर्ल्स दिखाई दे रही, पर्ल। सो पिंक ये जो यहाँ पर एक क्रिस्टल के नाम दिया गया है कैलिकोडोनी, सो ये हो सकता है ये मैं इस क्रिस्टल के नाम पहली बार सुन रही हूँ, बट ये क्रिएशन से जुड़ी है, ओम से जुड़ी है, फेमिनिन एनर्जी से जुड़ी है, बिकॉज दिस कलर ऑफ पिंक। सो यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ओके, आपकी फेमिनिन साइड को यहाँ पर थोड़ी हील करना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद के लिए आपको टाइम आप निकाल नहीं पाते थे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक रूटीन दिखाई दे रही है, सीटीएम रूटीन, खुद की हेल्थ का रूटीन। लुक दिस सेक्रेट स्पेस हियर, सीक्रेट गार्डन, कल्टिवेट योर स्पेस, इनर ब्यूटी, सेल्फ केयर। मैं इसकी बात बोल रही थी, सेल्फ केयर एंड सीक्रेट गार्डन आ रही है। सो सीक्रेट गार्डन का मतलब आप एक घर में एक सेक्रेट स्पेस बना रही है मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, एक सेक्रेट स्पेस बनाकर क्रिस्टल रख रही है आप, कुछ क्रिस्टल बाय कर रखी है आप, डिफरेंट कोई स्कल्पचर हो सकती है, डिफरेंट कोई मूर्ति वगैरह हो सकती है, उसको स्थापन करना। एंड खासकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक अच्छी तरह से घर को डेकोरेट करना, पर्टिकुलरली टेम्पल एरिया सेक्रेट स्पेस की जगह पर, या आपकी वॉशरूम भी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पर थोड़ी गार्डन आने का मतलब है आप पेड़ पौधे लगा रही है, पेड़ पौधे आप खरीद रही है, ओरिजिनल मतलब आर्टिफिशियल प्लान नहीं, जिसकी आप टेक केयर भी कर रही है। खासकर यहाँ पर आपकी इनर वर्क भी दिखाई दे रही है, बिकॉज ये सीक्रेट गार्डन है। इनर ब्यूटी की बात हो रही है, एक्सटर्नल ब्यूटी की नहीं, इनर ब्यूटी। ओके, दिस इज सैटर्न इन वर्गो एंड विद दिस इंडिसीजन, मुझे वर्गो एंड लिब्रा का एनर्जी आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट आप डिसीजन लेंगे, बट मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है, आइसोलेट होकर शांत दिमाग से एक डिसीजन आप लेने जा रही है, बिकॉज सैटर्न वर्गो जो होते हैं बहुत डिटैच रहना पसंद करते हैं, बट यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाएगा बिकॉज लिब्रा मौजूद है, 7th हाउस रिलेटेड विद वेनस इन लिब्रा। सो मैरिज रिगार्डिंग, पार्टनरशिप रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बट यहाँ पर थोड़ी ड्रामा चल रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है, मैं देखूँगी आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है। लुक दिस ऑरोरा बोरियलिस मिराकल्स। ओके, थैंक यू। रियू वाइल्ड के नीचे मिराकल्स कार्ड है, मतलब आपका एडवेंचरस होना, आपका थोड़ी एनर्जी वाइज मैस्कुलन एनर्जी को लेकर आना मिराकल्स लेकर आ सकते हैं। एक्टिवेशन योर एनर्जी, एक्टिवेशन का मतलब है मार्स पावर को एक्टिवेट करना, क्रिएटिविटी को एक्टिव करना, पैशन लेकर आना अपनी लाइफ में। मिराकल्स एंड एक्टिवेशन कार्ड एक साथ में आई है एंड दिस इज़ अ 27 नंबर 9 में आई है, मतलब इट्स अ मार्स एनर्जी। ओके, नेक्स्ट विद दिस पेशेंस अंडर बोधि ट्री, नॉर्दर्न इंडिया एंड दिस इज़ अफ्रीका, आइसलैंड, एक फॉरेन कंट्री को दिखा रही है, नॉर्दर्न इंडिया को दिखा रही है ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए शायद फॉरेन कंट्री वगैरह मैनिफेस्ट हो रही है। मैं पहले आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है एंड एक्टिवेशन पीरियड है। लुक एट दिस, यहाँ पर क्रिएटिविटी एक्टिवेशन पीरियड है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, चाहे वो कंसेप्शन को लेकर हो सकती है, बेबी कंसेप्शन को लेकर हो सकती है, पैशन मैरिज रिगार्डिंग हो सकती है। यहाँ पर बातचीत वगैरह हो रही है कम्युनिटी मेंबर के साथ, डिस्कस वगैरह किया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है। जिस चीज़ को आपने सीक्रेट रखा था लंबी टाइम से, सीक्रेट गार्डन, उस जगह पर शायद डिवाइन कंफर्ट आ रही है। कोई सीक्रेट अफेयर रिगार्डिंग हो सकती है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, जिस जगह पर एक फाइनल कंक्लूशन आ रही है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर कल्टीवेट योर स्पेस एंड जब बोधि ट्री आती है, मतलब मास्टर बुद्धा यहाँ पर आ रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात हो रही है, जिसकी वजह से गार्डन की गेट ओपन हो रही है, लोगों को पता चल रही है, पब्लिक हो रही है चीज़ें, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ डेट है, जो बिकॉज यहाँ पर देखिए आइसोलेशन पे आप लंबी टाइम पे थे, तो यहाँ पर लियो एनर्जी आई है, ये इंटीग्रेशन मोड को लेकर आएंगे, जोड़ेंगे चीज़ों को, बट इट टेक्स लिटिल टाइम, शनाय आपकी जीवन आगे बढ़ता है ग्रुप नंबर 2। हर काम डीले होते हैं शायद ग्रुप नंबर 2, 8 का एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर भी सैटर्न आया हुआ है, थैंक यू।
करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर टू नेक्स्ट थ्री मंथ्स में. थैंक यू. वन टाइम मूड देखते हैं. या दिस इज टू ऑफ कप्स. फ्रेंडलीनेस, कोई फ्रेंड कम लवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ. दिस इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स. माई गुडनेस. एंड जहाँ पर काम आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, शायद एट ऑफ पेंटिकल्स. यू आर वेरी लाइक, आपको आप खुद को बहुत ऑर्डिनरी पर्सन की जैसे देखते हैं कि आई एम वेरी मच ऑर्डिनरी पर्सन. कुछ खूबी, कुछ अच्छा है, कुछ नहीं है, कुछ स्पेशलिटी मुझ में नहीं है, कुछ स्पेशल फीचर नहीं है. दैट्स वाई शायद लोग मुझे रिजेक्ट वगैरह कर देंगे. मतलब इसको लेकर भी शायद आप स्ट्रेस ले दें कि आई एम वेरी मच ऑर्डिनरी पर्सन, कौन मुझे पसंद करेंगे. यू नो, इस टाइप का एक थॉट शायद आपका है. और मैं भी कुछ व्यूअर्स का काम काज को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रही है. देखिए ये झूम रहा है मस्ती में, पीछे से ना इस बलून को कोई निडल मार रही है. तो यहाँ पर कोई अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहा है आपको. आपकी बॉस वगैरह हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है. देखते हैं आपके करियर, वर्क का क्या एनर्जी है. माई गॉड, लुक दिस एम्प्रेस हेयर. एंड क्रिएटिविटी टू टाइम्स वर्ड में आई है आपकी रीडिंग में. यहाँ पर क्रिएटिविटी है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है. With this control, this is actually a card of King of Swords and Empress. And Empress जब career work field में manifest हो, मतलब resources, आपका finance positive हो रही है. बड़ी कोई जगह से अपनी higher authority के किसी person से होता है ना कि मुझे वो कुछ चाहिए, मुझे senior से कुछ favor चाहिए, तो वो आपको, वो यहाँ पर बहुत पावर मिलने के बाद somehow वो आपको मिल जा रही है next 3 months में. देखिए यहाँ पर एक position दिखाई दे रही है जहाँ पर Empress मौजूद है. high status की बात हो रही है. क्लाइंट्स आपकी बढ़ रही है, आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है. बट काम काज की जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होगा. साथ में यहाँ पर टाइम आपको बहुत पंक्चुअल होना होगा. साथ में अटेंड करना, मतलब चाहे कुछ मीटिंग हो रही हो, अपना प्रॉपर टाइम में उसको अटेंड करें कि मैं चलो कल करते हैं, परसों करते हैं. क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जब भी एनर्जी में आते हैं, मतलब यू शुड बी डिसिप्लिनड, यू शुड बी ऑर्गेनाइज, देन जाकर एम्प्रेस विल बी एक्टिव. एम्प्रेस यहाँ पर मेजर अर्कना में मैनिफेस्ट हुई है नेक्स्ट 3 months में. मतलब ह्यूज रिसोर्सेज की बात हो रही है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है. कोई एग्जाम आप पास कर जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की. बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स लाइक समवन वेरी रिजिड बट डिसिप्लिनड है. उससे वो होते ना कि एक वो शाइन, फाइनल साइन हो जाए वो प्रोजेक्ट एंड आपको मिल जाए. ओके, हेल्थ. यहाँ पर एक ईगल दिखाई दे रही है. मुझे आपकी हेल्थ रिगार्डिंग बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड होता हुआ दिखाई दे रही है. पानी पीने की बहुत ज़रूरत है. मतलब सर्दी गर्म, हम कहते हैं ना कि सर्दी जुकाम हो जाना बहुत जल्दी, बिकॉज आपका वेदर चेंज हो रही है. आप एक वेदर में हैं, सडनली एक दूसरे एक वेदर में गए, उसकी पानी आपको सूट नहीं कर रहा, तो इस टाइप की दिक्कत यहाँ पर हो सकता है. टेम्पररी बेसिस में मुझे थोड़ी एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर टू के लिए. एंड आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मून आया, पास्ट लाइफ. देखिए आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी एंसेस्टर को कनेक्ट कर रही है. लुक दिस कार्ड. सिर्फ एंसेस्टर नहीं, पास्ट लाइफ में आपने जितनी लोगों के साथ, चाहे वो कार्मिक सोलमेट हो, ये नेक्स्ट 3 months में कनेक्ट हो रही है. आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मून कनेक्ट होने का मतलब है आपका इंट्यूशन, विजनरी पावर बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन स्ट्रांग है. पर थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है जो चला गया तारा बन गई है. यू नो, एंसेस्टर कनेक्ट हो रही है नेक्स्ट 3 months में. एंड वो आपसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं. एंड आपको शायद सपने में, बिकॉज मून ड्रीम, सपने में वो मैसेज आपको मिल सकते हैं. हम कहते हैं ना सपना देश, ड्रीम के थ्रू से कुछ मैसेज मिलना. देन कुछ अगर आपको दिखाई दे रही जो नहीं हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल ड्रीम में कोई पर्सन दिखाई दे रही है, तो समहाउ कुछ मैसेज उस जगह पर है, उस पर्सन से रिलेटेड एंसेस्टर कुछ बताना चाहते हैं. आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, माई गॉड, लुक एट दिस. दिस इज एक्चुअली इट्स अ थंडर बोल्ड. सडन कुछ होने जा रहे हैं. दिस अ कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स. कुछ टावर मूवमेंट आपकी पास्ट हुई थी ग्रुप नंबर टू रिलेशनशिप में. एक सडनली कुछ ब्रेकअप वगैरह हुई थी, सडन कुछ हुआ था आपकी. एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ रीबिल्ड, मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज जैक पॉट हियर. मैच्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें लौट कर आना जो टूट चुकी थी. वन सेकेंड, ग्रुप नंबर टू देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में और क्या एनर्जी आ रही है. बिकॉज एज ऑफ पेंटेकल्स आई है, एक न्यू बिगिनिंग्स की बात हो रही है मैच्योरिटी के साथ, जो लॉन्ग टर्म है. बिकॉज पेंटेकल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में देते हैं. प्लस लव लाइफ ग्रुप नंबर टू की लव लाइफ. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट 3 months
स्लोइंग डाउन कछुआ टर्टल वन मोर गोइंग विथ फ्लो दिस इज एक्चुअली एस ऑफ कप्स एंड नीचे है सक्सेस कार्ड स्लोली कोई रिलेशनशिप बहुत मैच्योर कर रहा है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड एस ऑफ टू एसेस इज हेयर राइट दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स टू एसेस नंबर 11 आपको नंबर दिखाई दे सकते हैं थंडर बोल्ट कुछ ब्रेकअप कुछ ऐसे नेगेटिव कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी पास्ट में क्रिएट हुई थी पास्ट कुछ मंथ्स में या फिर सालों में इस सब दो एसेस के एनर्जी का मतलब रीबिल्ड होना और कुछ व्यूअर्स के लिए एक न्यू स्टार्ट हो रही है न्यू बिगिनिंग सी न्यू लव लाइफ बिकॉज देखिए सक्सेस कार्ड आई है एंड स्लो डाउन काफ़ी स्लोली चीज़ों को फ्रूटफुल किया जा रहा है स्लोली चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रही है सो दैट रिजल्ट विल बी वेरी ब्यूटिफुल बहुत कॉशस बहुत अलर्ट होकर कोई आपको अप्रोच कर रहा है या फिर आप अप्रोच कर रही है यहाँ पर बहुत कॉशस अलर्ट होकर बिकॉज इज अ टर्टल इज अ टॉर्टोइस एंड हियर इज अ लुक दिस टाइगर हेयर मतलब इट्स लाइक ए बिग येस किसी ने येस बोल दिया किसी ने प्रपोज किया किसी ने येस बोल दिया कुछ इस टाइप का एनर्जी देखिए लव लाइफ में सक्सेस कार्ड है तो लव लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर टू आपके लिए क्योंकि टू एसेस का एनर्जी है लेट मी चेक मैं थोड़ी देखना चाहती हूँ आपकी सोल नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपको क्या कहना चाहते हैं किस पर काम करना है ग्रुप नंबर टू नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वन टाइम मोर ग्रुप नंबर टू सोल की क्या मैसेज है आपके लिए ओके ओके लुक आपकी सोल की जो मैसेज आ रही है एम आई करिंग माई सेल्फ विथ लव क्या मैं अपने आप को लव की थ्रू से कैरी करती हूँ मतलब अपने आप को प्यार मैं आपको एक बात बोल रही थी शुरू में कि आई एम वेरी मच ऑर्डिनरी पर्सन और आपकी सोल से भी सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रही है एम आई कैरिंग माई सेल्फ विथ लव क्या मैं प्यार से सब कुछ चीज़ करती हूँ या फिर करता हूँ जो भी मैं आपकी आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी हेयर्स आपकी बॉडी फिगर आपकी आंखें आपकी लिप्स क्या मैं सच में उसको कभी अप्रिशिएट किया कभी मैं मिरर में देखकर मैं बताया कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम हाउ हैंडसम आई एम सो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जो बॉडी तुमने धारण की है क्या कभी अप्रिशिएट की है तुमने कभी तुमने उसको बोला क्या उस बॉडी ऑर्गन को क्या चीज़ों की ज़रूरत है तुम्हारे अटेंशन की ज़रूरत है कभी नोटिस की है तुमने तुम दूसरी चीज़ों पर इतना ध्यान देते हो कभी अपनी बॉडी पर ध्यान देते हो अपने आप को अप्रिशिएट करते हो तुम जैसे हो उसके लिए कभी आप कहते हो कि आई एम परफेक्ट क्यों इतनी कंपैरिजन है तुम्हारी सोल में एंड जिसकी वजह से आपकी सोल को बहुत तकलीफ हो रही है सोल इज़ इटर्नल आपकी बॉडी पांच तत्वों की बनी हुई है सो जब टाइम ख़त्म होती है वो चला जाता है सोल इटर्नल सोल रह जाता है वो और एक बॉडी को मिलती है अगर लिबरेशन ना हो तो सो यहाँ पर एक मैसेज तो सोल की आ रही है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो अपने आप को लेकर नाज नहीं करते हो ओके देखते हैं ग्रुप नंबर टू गॉड गॉडेस क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ्स में थैंक यू बॉटम ऑफ द डेक में है सोल फैमिली एक पर्सन मतलब सोल फैमिली है मतलब सोल ट्राइब से कोई मेंबर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ओके देखते हैं आपका मेन मैसेज है एवलन प्रिस्टेस लुक कैंडल जलाकर कोई जैसे मैनिफेस्ट करिए यहाँ पर क्रिसन मून थर्ड आई में दिखाई दे रही है इंट्यूटिव अवेकनिंग समझ में आ रही है प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है जो इंट्यूशन विजनरी पावर की बात करते हैं सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें आपको हिट करेंगे ट्रिगर्ड करेंगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में सो जब आप डिसीजन ले रही है बिल्कुल इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लीजिए आपके भीतर से ही जो वो आवाज़ आएंगे जब आप इस एनर्जी को ठीक कर लेंगे एम आई करिंग माई सेल्फ विथ लव क्या मैं अपने आप को ठीक ठाक से लव के थ्रू से कैरी करती हूँ मैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूरत है आपको एंड थोड़ी यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है मतलब आपकी इंट्यूशन आपकी ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू मैं इस रीडिंग में वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्रुप नंबर थ्री देखते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ जुलाई अगस्त सितंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से हैं ओके
एंड इंट्यूटिवली अपने फेदर चूज़ किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट थ्री मंथ्स एंड में मैं देखूँगी आपकी सोल नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके क्या क्वेश्चन है, ओके किस पर आप काम करेंगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में। थोड़ी थीम देख लेती हूँ, देन मैं टैरो से देखूँगी आपकी करियर, वर्क एंड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स। थैंक यू, ओके ग्रुप नंबर, डॉग्स को फीड ज़रूर करवाइए ग्रुप नंबर थ्री। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स, नेक्स्ट 90 डेज थीम। थैंक यू, नेक्स्ट थ्री मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर थ्री थीम देखते हैं। ओके यहाँ पर अगर कोई कार्ड रिवर्स में आ रही है तो मैं रिवर्स से रीड करूँगी, क्योंकि इसमें रिवर्स एंड अपराइट दो मीनिंग है। थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स, नेक्स्ट थ्री मंथ, वन टाइम मूव। ओके नेक्स्ट थ्री मंथ्स फॉर ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स। ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स, नेक्स्ट 90 डेज क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स हैं। ओके आपके घर में मुझे ड्रीम कैचर नज़र आ रही है, आप बाय करेंगे ड्रीम कैचर। और विंड चाइम्स वो हो सकते हैं पीकॉक फेदर से जुड़ी हो, ड्रीम कैचर ऐसा ड्रीम कैचर आप खरीदेंगे जो पीकॉक फेदर से बनी हो, या फिर पीकॉक फेदर आप बाय करें, क्योंकि पीकॉक फेदर जहाँ पर होती है उस एरिया तक नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। ओके सो थोड़ी उस टाइप की चीज़ों की यहाँ पर बाय करते हुए एनर्जी आ रही है। ओके देखते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में गोपाल होते हैं, सो मतलब गोपाल की ड्रेस, कुछ है जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं खाना खिलाने के लिए, उस टाइप की कुछ चीज़ें, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग जो चीज़ों की खरीदारी करना, चाहे वो कुछ डेकोरेटिंग का आइटम भी हो सकता है। ओके देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर थ्री। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री, नेक्स्ट थ्री मंथ्स, वन टाइम मूव। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। कुछ व्यूअर्स के घर में मूर्ति वगैरह स्थापन होना नेक्स्ट थ्री मंथ्स में। ओके कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम कंप्लीट हो गया आपके ग्रुप नंबर थ्री, डॉक्यूमेंट से जुड़ी, आइदर जस्ट फॉर एग्जांपल आधार हो, राइट आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम ग्रुप नंबर थ्री नज़र आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद नेक्स्ट थ्री मंथ्स में होगी, कुछ चेंज एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी एनर्जी में आ रही है ग्रुप नंबर थ्री। मुझे किस पाइल वन पाइल टू पे वो एनर्जी नहीं, बट पाइल थ्री के लिए वो आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ काम। ओके ग्रुप नंबर थ्री, बाय द वे ये अपराइट मीनिंग है, रिवर्स है, मैं रिवर्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि रिवर्स मीनिंग नेगेटिव है, तो यहाँ पर कार्ड अपराइट आई है। सो एफिनिटी एंड फ्रेंडशिप। ओके नेक्स्ट विद दिस, ओ माय गॉड, दिस फर्टिलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी बाय द वे लुक्स लाइक एम्प्रेस। ओके फ्रेंडशिप एंड एम्प्रेस, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब दो चार चार, यहाँ पर आठ हो रही, आठ सोलह हो रही, मतलब क्यूमलेटिव प्रोसेस में जब कुछ चीज़ें एक्सपेंड करते हैं। ओके यहाँ पर एक बहुत फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट, एक फ्रेंडशिप का एनर्जी आ रही, फर्टिलिटी आ रही, बर्थ कंसेप्शन, नई कुछ जन्म होना, राइट बर्थ, बेबी बर्थ हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आप अपने बिजनेस में कुछ नई कुछ चीज़ें इंक्लूड करें, कुछ जस्ट फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कुछ शॉप वगैरह आपका थी ना, आप अपने एक घर आपने बनाई है उस जगह पर आप उसको ट्रांसफ़र करके लेकर आ रही है पूरी शॉप को, इस टाइप की एक चीज़ यहाँ पर होगा कुछ व्यूअर्स के लिए। बट इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एंड एफिनिटी, एक शोल्डर यू कैन लीन ऑन, जिस कंधों में आप सर रख सकते हैं, उसकी एनर्जी आ रही है। ओके एंड विद दिस एलोक्वेंस, लुक एट दिस। ओके मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर थ्री आपकी एनर्जी में, आपके लिए प्रोटेक्शन है, डैनियल आया हुआ है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, आप प्रॉब्लम ऑब्स्टकल से बाहर आ रही है ग्रुप नंबर थ्री।
एंड बहुत ग्रेसफुल एनर्जी है आपकी। ड्रेसअप नेक्स्ट थ्री मंथ्स में बहुत शॉबर रहा होता है ना, बहुत सारे लोग ब्लैक कलर बहुत पसंद करते हैं या फिर डीप ब्लू कलर पसंद करते हैं, बट आपकी कलर चॉइस जो होगा ना बहुत लाइट पिंक, क्रीम कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू, बहुत लाइट कलर एंड जो आपकी ग्रेस को बढ़ा रही है, मतलब एक एलिगेंट एनर्जी, एक मैग्निफिशेंट, एक चार्म मुझे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रही है। एंड पीपल विल सी यू वेरी अबंडेंट, वेरी प्रॉस्परस, जितने भी मनी है उससे ज़्यादा देख रहा है। ये कुंडली से भी देखा जाता है कि आपके पास जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाखों रुपए है, बट पीपल विल सी यू लाइक दिस पर्सन इज करोड़पति और मिलेनियल। ये हो मतलब हो जाता है कुछ कुंडली की कुछ कम्बिनेशन की वजह से, बट नेक्स्ट थ्री मंथ्स में पीपल विल सी यू लाइक एम्प्रेस, एम्परर, बहुत कुछ है इसके पास। ओ माय गॉड, ये तो पैसा छाप रहा है जैसे, यू नो। ग्रुप नंबर थ्री देखते हैं। ओके, दिस इज जुपिटर इन टॉरस स्टेटस। मैं इसके बाद भी आपको बोलूँ बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस आई हुई है। स्टेटस देखिए, यहाँ पर एम्प्रेस थी एंड एक क्राउन दिखाई दे रही है, जो एक ही क्राउन है जो किंग क्वीन शेयर कर रही है। शेयरिंग एनर्जी आ रही है जुपिटर टॉरस। ओ, अभी तो चल रहा है जुपिटर टॉरस में, ये ट्रांजिशन पेज गुरु का ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नेक्स्ट थ्री मंथ्स में। क्राउन लगना, सर पे क्राउन का, सर की क्राउन का मतलब है आपकी सर पे ताज आ रही है, चाहे वो मनी रिगार्डिंग हो, फाइनेंस, आप इंपॉर्टेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट बहुत लाभ हो गया। यहाँ पर जुपिटर टॉरस आप कुछ पति पत्नी मिलकर एक बहुत बड़ी पिलग्रिमेज विजिट करने की प्लान कर रही है। लोग आप दोनों की स्टेटस, मतलब एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद स्टेटस बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लग्जरियस आइटम का खरीदारी करना, घर डेकोरेशन, पेंटिंग खरीदना, मुझे ना यहाँ पर पेंटिंग नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। ओके, दिस इज़ एक्चुअली मार्स इन लियो, बट बाय द वे मार्स लियो एक हैंड चिल्लाते जा रहे हैं। लोग ना अपनी ईगो देख रहा है बहुत ज़्यादा आपके अंदर। देखिए यहाँ पर सन हैंड, सन का मुँह देखिए यहाँ पर कितना जैसे यू नो टेढ़े से देख रहा है। तो पीपल विल बी जेलस टुवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा जेलस आइज दिखाई दे रही है आपकी स्टेटस, घर की वातावरण देख कर के। ओ माई गॉड, मतलब एक ईविल आई देने की कोशिश करें, बट डजेंट मैटर, यहाँ पर डैनियल मौजूद हैं, सो उमाबल मौजूद है, तो यहाँ पर डोंट वरी अबाउट इट। बट यस, थोड़ी टेढ़े से देख रहे, मतलब हर चीज़ को निंदा करना, मतलब अच्छा ये और भी बेटर तुम खरीद सकते थे, बट ऐसा नहीं है कि वो ये बोल रहा है, मतलब वो जेलस होकर बता रहे कि अच्छा तुमने पेंटिंग लगाई है ना। पता है ऑनलाइन में और एक पेंटिंग मुझे दिखाई थी जो कम दाम में थी, बट यू नो बहुत अच्छा थी, तुम्हारी इस पेंटिंग से भी ज़्यादा, मतलब यू नो एक नीचा गिराने की कोशिश करना, अंडर एस्टिमेट कर देना, मतलब ताकि आप थोड़ी नीचे हो जाए, मतलब आपका थोड़ी मन ही यहाँ पर ख़राब हो जाए कि अच्छा तो मेरी तो रुपये ज़्यादा लग गई। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन की वो कोशिश रहेगा। सो मेक श्योर माय डियर, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपका ही है कि ओके, जो हुई है डेफिनेटली मैं ही को मैनिफेस्ट की थी, तो जो आई है मेरे लिए वो बेस्ट है, तो वो एक मुतर जवाब है, राइट। सो यहाँ पर डिलीबरेशन की एनर्जी आ रही है। डिलीबरेशन का मतलब आप सोच समझ कर, लुक फ्लाइंग स्टॉक हेयर, सोच समझ कर एक निर्णय पर पहुँचना। देखते हैं स्टेबिलिटी 36। आवर ट्री, अफ्रीका का नेशनल ट्री जो गैलन गैलन वाटर कैरी करता है, थोड़ी सी अगर आप अपने इस वेन में थोड़ी सी अगर निरल लगेंगे तो जिस तरह से ब्लड निकल कर आते हैं इस पेड़ पर, अगर थोड़ा सा अगर अपने निरल डाल दिया तो एकदम से पानी निकल कर आते हैं बताया जाता है, आवर ट्री जो है। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब आपका लिया गया डिसीशन आपको एक बहुत तगड़ा स्टेबिलिटी दे रहा है, एक लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देने जा रही है। ओके, एंड दिस इज फोकस। शाओलिन टेम्पल, मतलब यहाँ पर शाओलिन, मतलब यहाँ पर जो वॉरियर फोकस की इनर, मतलब बुलसाए, लोग आपको डिस्ट्रैक्टेड करने की कोशिश करेंगे, बट आप यहाँ पर ट्री बना रखी है, फैमिली बना रखी है और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ खरीदारी कर रखी है, घर वगैरह हो सकते हैं। लोग आपको यहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड करके, तुम क्यों 2 BHK खरीद रहे हो, तुम तो 3 BHK खरीद सकते हो, या फिर ये कर लो वो कर लो, मतलब आपका एक प्लान है, आपने सोच कर रखा है, कोई एक पर्सन आकर उसको टांग लड़ाने की कोशिश करें। मेक श्योर आप अपनी पॉइंट पर टिके रहें, कोई किसी का गाइडेंस देना और किसी का अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन, ये दो चीज़ अलग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की एनर्जी आ रही है, तो आपको थोड़ी बुल साय बनाकर रखनी होगी कि मैंने सोच लिया है बस मैं वही करूँगी। आप नॉर्मली देखेंगे जो कुछ शॉप में आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप एक फ़ोन का एक मॉडल देख कर गए हैं, बट आप शॉप में गए तो दूसरा एक मॉडल लेकर आ गए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है,
दुकानदार को समझ आ जाता है कि इसको पटाना बहुत इजी है, इसको इसका दिमाग को घुमाना इजी है। आप मॉडल देखकर गए, इतना सोच समझ कर गए और उस जगह पर जाकर शॉप में जाकर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा आपका ब्रेन वॉश कर दिया कि नॉर्मली जो फ़ोन बिकता ही नहीं है वो डाल दिया आपको, और आपको लगा अच्छा यही बेस्ट है। तो उस जगह पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कि नहीं मैं जो देख कर आई हूँ ना मुझे वही लेना है, मैं देख चुकी हूँ मैं मॉडल। सो इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपको आपका स्टेबिलिटी हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है आसपास के लोग, इतना जेलस है। ओके स्टार गेट हियर, दिस इज पर्सनल पावर। मैं आपको बोल रही थी थ्रॉट ओपनिंग असर्टिव हीलिंग एंटैंगलमेंट। ओके मैं थोड़ी कार्ड्स देख लेती हूँ। ग्रुप नंबर 3, ओह दिस गोल्डन अपल री राइटिंग योर फ्यूचर। क्वीन कोर्स, क्वीन किंग क्वीन की एनर्जी बहुत मैनिफेस्ट हो रही है। एंड इंटीग्रेटिंग एनर्जीज, अवेकनिंग एंड ट्रांजिशनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। लेमन बम की जो बात होती है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। बहुत हम कहते हैं ना कि बच्चों को नज़र दोष बहुत लग जाते हैं, बहुत नज़र लगने की टेंडेंसी है। सो यहाँ पर लेमन की बात जब हो रही है मतलब नज़र दोष रिलीज हो रही है। ओके एंड इंटीग्रेटिंग एनर्जी का मतलब आप बहुत ज़्यादा वेज खाने पर थोड़ी आप बिलीव करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा हर दिन नॉन वेज नहीं करने, मैं 2 to 3 days यहाँ पर वेज खाना चाहती हूँ, कुछ इस टाइप की जो प्रोसेस होती है डाइट चार्ट होती है उस पर आप यहाँ पर काम कर रही है। गोल्ड आपे लाने का मतलब है, देखिए यहाँ पर बैलेंस है, दिस इज़ योर कर्मा दैट्स द बैलेंस सैटर्न, दिस इज़ गोल्ड एंड एपल जुपिटर। तो कर्मा यहाँ पर फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट दे रही है, दैट लुक द क्राउन हियर। सो टू टाइम यू हैव ए क्राउन कार्ड, ग्रुप नंबर 3, इट्स टू टाइम क्राउन। क्राउन्स मीन्स कुछ तगड़ा कुछ मिलने जा रहा है आपको, राइट, जो थ्रॉट ओपनिंग असर्टिव होकर बिकॉज पर्सनल पावर को रिक्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। एंड लुक दिस, आपकी रीडिंग के दौरान कितनी मैसेजेस आ रही हैं। सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ह्यूज विनफॉल, ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके लिए है। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर थोड़ी कोशिश कीजिए अपनी सन पावर को, अहंकार नहीं होना है, बट आपने डिसीजन ली है तो वो ठीक है, एंकर नहीं होना है, ईगो नहीं रखना है। ओके देखते हैं, मुझे पूरी कार्ड में ना इतनी मतलब दो कार्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है गोल्डन एपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड। ये दो कार्ड सेंटर कार्ड में है, उसके ऊपर फर्टिलिटी है, मतलब सेंटर कार्ड सेंटर एनर्जी को होल्ड करते हैं, आसपास की एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के रोल प्ले कर रही है। सो यहाँ पर फर्टिलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, गोल्डन एपल है, स्टेबिलिटी है, आपका एनर्जी एकदम अलाइंड। ग्रुप नंबर 3, करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी, राइट, नेक्स्ट 3 months में। ओके वन टाइम दिस इज ड्रीम, कोई यूनियन की ड्रीम कर रहा है यहाँ पर। ओके करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड मोरालिटी। देखिए यहाँ पर आप मोरालिटी आने का मतलब है बी डिसिप्लिन एंड जो ट्रूथ है उसको उसको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ओके एंड बहुत ज़्यादा आप पास्ट को लेकर पड़े हैं, पास्ट की कुछ एनर्जी, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट इवेंट। ओके देखते हैं आपकी करियर वर्क। ओह माय गॉड लुक एट दिस, दिस इज़ एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस एंड दिस इज़ करेज, पत्थर में भी जो फूल खिल जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्ड वर्कर है, स्ट्रेटजिस्ट भी है, किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट जानते हैं कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एंड मुझे थोड़ी एक वाइब्स आ रही है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मुझे बिल पे करना है, EMI भरना है, उस जगह पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि ऐसा सडनली आपको लग रहा है अच्छा इस महीने में ये EMI कैसे भरूँ, इस महीने में बिल पे कैसे करूँ, तो अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे कि अल्टीमेटली वो चीज़ें हो जाएगा, सब हो जाएगा, अब टेंशन ना लो। ग्रुप नंबर 3, पत्थर में फूल खिलने का मतलब है चमत्कार होना एंड दिस इज़ योर कर्मा, योर कर्मा जो यहाँ पर डेस्टिनी बना रही है। रीराइट योर फ्यूचर, दैट्स द मिडिल कार्ड, रीराइटिंग योर फ्यूचर, हील योर डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ग्रुप नंबर 3, सो आपकी हेल्थ पर न्यू विजन का एनर्जी आई है। बाय द वे दिस इज़ अ हैंगमैन बट द वर्ड इज़ न्यू विजन, मैं एक योगा मैट खरीदूँ उसको लेकर मैं प्राणायाम मेडिटेशन मतलब नई तरह से किसी चीज़ को आरंभ करना जो मैं
भूल चुकी थी या फिर मैं करती नहीं थी, राइट। योगा करता था, नहीं हो रही है, अभी मैं स्टार्ट किया, नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे को स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है। थोड़ी यहाँ पर ऐसा हो सकता है फ्री हैंड एक्सरसाइज, थोड़ी जो जो बॉडी वगैरह लोग बनाते हैं ना, मुझे इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए। आपकी डाइट चार्ट नई तरह से करना है यहाँ पर, न्यू विजन का मतलब समथिंग नई तरह से कुछ करना, चाहे वो डाइट चार्ट हो, हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है। ओके एंड ओ माय गॉड, दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी पे हीलिंग कार्ड आई है। स्पिरिट बहुत कनेक्टेड है, आपकी हार्ट चक्रा ओपनिंग यहाँ पर हो रही है, जैसे कोई स्पिरिट, जैसे आपकी पर्टिकुलरली यहाँ पर थर्ड आई एंड क्राउन कनेक्टेड हुआ, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा को कोई हील करने की कोशिश कर रहा है स्पिरिट दो हाथों से, और आप महसूस करेंगे चक्रा एक्टिवेशन। ग्रुप नंबर 3 के कुछ व्यूअर्स हैं, पर चक्रा एक्टिवेशन कुछ एनर्जी महसूस करना जहाँ से स्टार्ट हो रही है, एकदम से हमारे फर्स्ट चक्रा से, मूलाधार चक्रा से थोड़ी वो महसूस करना कि कुछ हो रही है, जैसे यू नो, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग हीलिंग या फिर आप रेकी हीलिंग थेरापी इस टाइप की चीज़ें कर रही है आप। नेक्स्ट 3 जर्नलिंग, आह योर लव लाइफ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन एंड रिबर्थ। नंबर 10 लुक एट दिस रिबर्थ एंड दिस इज द पार्टिसिपेशन, बाय द वे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस आपके लव लाइफ रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 3 मैरिज का एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, लुक दिस लियो हियर, जैसे बहुत टाइम से कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्दी फील नहीं कर रहा था, एंड यहाँ पर एक कोई फ्लूट मतलब कोई साउंड आ रही है, कोई कम्युनिकेशन, कोई एहसास दिला रही है, आई एम हियर फॉर यू, थैंक यू, बिकॉज हियर इज़ द रिबर्थ हियर एंड पार्टिसिपेशन। कोई पार्टी फंक्शन इनविटेशन यहाँ पर हो सकती है, बट आपके घर में किसी का मैरिज, अगर आपकी मैरिज का एज नहीं है, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ, थैंक यू, ईगो रिलीज हो रही है, राइट। ओ माय गॉड, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लुक दिस कार्ड 10 ऑफ कप्स, डॉल्फिन हियर, कपल डॉल्फिन, 10 ऑफ कप्स का पोर्टल, हारमनी एंड शेयरिंग, कोई अपने इमोशन अपने पैशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है, लाइक समवन विल सी यू लाइक यू आर लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी एंड लुक, नॉर्मली हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ चैरिटी का बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब दिखाई नहीं पड़ती, बट इस डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अलग तरीके से दिखाया गया है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास बहुत कुछ है, बहुत रिसोर्सेस है, वो खुद लेकर बैठे नहीं है, उसको वो शेयर भी करे। कैंडल कैंडल आने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पर्सन, एंड लुक दिस ग्रेप्स एंड पोमीग्रेनेट हियर, इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी रिसोर्सेस, जो खुद के साथ साथ वो शेयर भी कर रही है। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड शेयरिंग की एनर्जी आ रही है, एनर्जी एक्सचेंज होना, पैशन एक्सचेंज होना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत अबंडेंट है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट करना, कोई आपको ऐसे एनर्जी के रूप में देख रहा है यहाँ पर कि यू आर लाइक ए वाइफी हस्बैंड मटेरियल, दैट्स द 10 ऑफ कप्स विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सो यूनिक, मतलब यू आर इनक्रेडिबल। ग्रुप नंबर 3 आपकी तुलना मतलब यू आर वन एंड ओनली विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 10 ऑफ कप्स, यू आर लाइक परफेक्ट पार्टनर फॉर मैरिज, समझ आ रही है। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं सोल क्या क्वेश्चन आपको करना चाहते हैं, क्या चल रहा है जिस पर आपको काम करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 3 मंथ्स में सोल की क्या क्वेश्चन है आपके पास जिस पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ध्यान देना है। ओके थैंक यू सो मच। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है क्लाइंब, हाउ कैन आई गो हायर, किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्यों मैं पीछे को बार बार मुड़कर देख रही हूँ कि कितनी बार मैं गिर गई हूँ, कैसे आगे बढ़ सकती हूँ मैं। सो यहाँ पर थोड़ी असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लाइफ को देखूँ, आपके लिए जो मेन मैसेज यहाँ पर आई है, हियर व्हाट एम आई लिसनिंग फॉर, यहाँ पर आउल का स्प्रिट आई है, ग्रेट हॉर्न आउल, लिसन, आपकी सोल एक शरीर धारण की है जो 5 तत्वों की बनी है, समय खत्म होगी, वो शरीर 5 तत्वों में विलीन होगा, सोल इटर्नल है, यूनिवर्सल है, इटर्नल है, वो रह जाता है, वो अगर लिबरेशन हुई उसको मुक्ति मिल गया, सो उसका मोक्ष मिल गया, अगर नहीं है तो वो और एक बॉडी लेकर और जन्मांतर होता है, दिस इज़ द प्रोसेस, बट आपका सोल का एक डिज़ायर है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, व्हाट एम आई लिसनिंग फॉर,
क्या वो चीज़ है जो मैं सुन रही हूँ? आप डेली बेसिस में यूट्यूब में क्या कंटेंट देखते हैं, क्या कौन सा गाना आप सुन रही है, कौन सा म्यूज़िक आप सुनते हैं? आपके लिए आपकी मतलब वॉइस के साथ साथ आपके कान जो जिसके थ्रू से भी नॉलेज आते हैं, आप रीडिंग को देख रही है, आप कोई वीडियो देख रही है, आप गलत कुछ कंटेंट देखते हैं जो आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, आप कुछ गलत कंटेंट देख रहे हैं जो सही नहीं है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रही है कुछ वॉइस या कुछ मैं देखती हूँ कुछ यूट्यूब का कंटेंट ही है गाली गलौज देना, एंड दे आर सो पॉपुलर, गाली गलौज देकर ही वो पॉपुलर है। सो क्या सीख रही है आप कंटेंट से? सो यहाँ पर आपको जो वॉइस आप अच्छी कोई मंत्र सुन रही है, आप ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो आपकी एनर्जी को हील करे, तो सुनना पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग कमेंट कर रही है, आप सुन रही हो उसको, कुछ लोग आपके लिए कंटिन्यूसली जजमेंट क्रिएट करे, आप सुन रही हो उसको, है ना? आपने उसको पूरी तरह से अपने दिमाग में रखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम सेट करिए। आपका फ्रिक्वेंसी खराब हो रही है, एनर्जी नेगेटिव हो गया, एंड मैनिफेस्ट भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। सिंपल प्रोसेस। तो पहले बात तो आपको अपनी ध्यान देना है, क्या मैं सुन रही हूँ, क्या मैं कहीं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं सुन रही, बहुत ज़्यादा जजमेंट तो मैं नहीं सुन रही। आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं कि मैं कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। क्यों ऐसा बोला जाता है कि कमेंट में कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा गाली गलौज करते हैं, खासकर ऐसे कुछ चैनल में होते हैं। सो तो ठीक है, आप कमेंट मत पढ़ो। सो अगर आप कुछ इस टाइप की सोशल मीडिया से कनेक्टेड, तो आप कमेंट मत पढ़ो जहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव कुछ बोला जा रहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है। कंटेंट को देखो, कौन सी कंटेंट की वजह से आपकी एनर्जी कुछ ख़राब पॉजिटिव क्या हो रही है। सो लेट मी चेक थोड़ी फाइनल मैसेजेस फॉर यू। नंबर 3, क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में? ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मई देन ब्यूटिफुल चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट ब्यूटिफुल चेंज। मुझे इस बटरफ्लाई को ना बहुत शॉबर दिखाई दे रही है, बहुत शांत, बहुत काम एक बटरफ्लाई जो एक एंजलिक एनर्जी, एक आर्थ एंजल की एनर्जी में दिखाई दी। आई डोंट नो, जैसे आपकी एनर्जी में बहुत परिवर्तन है। नो ग्रुजेस, नो रिवेंज, कोई गुस्सा नहीं, बहुत शांति से अपने काम को कोई करता जा रही है। लुक एट दिस, जिस तरह से पत्थर से फूल के लिए कितनी पेशेंस है आपकी एनर्जी में, कितनी परसिवियरेंस है। ग्रुप नंबर 3, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ ब्यूटिफुल योर सोल इज़, एंड लुक दिस बॉटम ऑफ द डेक, सोल फैमिली। सो सोल फैमिली की एनर्जी है, सो लुक दिस सन हेयर, एंड सोल ट्राइब के कोई मेम्बर यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मेम्बर कोई यहाँ पर कनेक्ट करेंगे आपके साथ, बट आपकी सोल फैमिली मेम्बर सभी आपके साथ कनेक्टेड, चाहे वो एंसेस्टर के रूप में हो या फिर आपकी सोल फैमिली। देखिए नॉर्मली जब आप किसी चैनल से कनेक्ट करते हैं एंड आपको कुछ फ़ायदा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंटेंट रीडर, वो मेन जो रीडर है या फिर मेन जो पर्सन है चैनल को बनाकर रखी है, उसके साथ आपका सेम कोई सोल ट्राइब का कुछ कनेक्शन है, आप अट्रैक्टेड होती है। यहाँ पर लाखों करोड़ों चैनल हो सकते हैं यूट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पर, बट आप किस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, किस चैनल से आपको लाभ मिलता है, आपको कुछ ज्ञान मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सोल ट्राइब से कनेक्ट करता है। ग्रुप नंबर 3, राइट? सो यहाँ पर मुझे उस टाइप की कि कुछ और सोल ट्राइब की कुछ मेंबर कनेक्ट हो रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।